हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, अगर आपका बजट जो है वो लगभग 20 से लेके 25,000 रुपए के आसपास है और आप उसमें एक अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं, तो यार आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं लावा अग्नि 2 5G और इन्फिनिक्स 035G, जो कि अभी 1 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। इसके सारे स्पेसिफिकेशन जो है वो बाहर आ चुके हैं, तो दोनों के बारे में डिटेल बताएंगे। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ड और डिजाइन से। तो लावा अग्नि 2 5G में आपको पीछे की तरफ जो है वो ग्लास पैक मिल जाता है, प्लास्टिक का फ्रेम है, एक कलर आपको देखने को मिलता है ग्लास वर्डिन। इसके अलावा 210 ग्राम के वेट के साथ आता है, साथ साथ बैक में आपको कोई भी प्रोटेक्शन देखने को यहाँ पर नहीं मिलती है। वही इन्फिनिक्स 035G की बात करें तो यहाँ पर दो मॉडल देखने को मिलते हैं, एक वीगन लेदर के साथ आता है, एक ग्लास बैक के साथ आता है जिसमें गोरिल्ला ग्लास 5 की भी सपोर्ट आपको दी गई है। दो कलर ऑप्शन बताए गए हैं, गोल्ड और ग्रीन के साथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्रेम प्लास्टिक का है और वेट के बारे में यहाँ पर अभी ज्यादा पता नहीं लग पाया। वही डिस्प्ले की बात करें, लावा अग्नि 2 में आपको 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 10 बिट वाली कलर्स को सपोर्ट करती है, 915 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, HDR 10 प्लस को भी सपोर्ट करती है, 93% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। इसके अलावा 2400x1080p रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। वही बात करते हैं इन्फिनिक्स 035G की, तो यहां पर भी सेम 6.78 इंच फुल एचडी प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। यहां पर आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट है, 915 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है, HDR 10 प्लस को सपोर्ट करता है, 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी दी गई है। इसके अलावा ये डिस्प्ले जो है 10 बिट कलर्स को सपोर्ट करती है, गोरिल्ला ग्लास 5 को जो है वो प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। इसके अलावा TUV रीनलैंड आई केयर प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। इसके अलावा 2400x1080p का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। वही परफॉर्मेंस की बात करें, लावा अग्नि 2 5G में आपको डायमेंसिटी 7050 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, 6 नंबर बेस्ड है, 2.6 GHz पर रन करता है, माली का G68 MC2 वाला जीपीयू देखने को मिलता है। वही इन्फिनिक्स 035G की बात करें तो आपको डायमेंसिटी 8020 वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, 6 नंबर बेस्ड होगा, 2.6 GHz पर रन करता है, माली का G77 MP9 वाले जीपीयू देखने को मिल जाता है। वही रैम और स्टोरेज की बात करें तो लावा अग्नि 2 5G में आपको सिर्फ एक ही मॉडल देखने को मिलता है, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज है और सिर्फ 2 सिम का स्लॉट दिया गया, तो SD कार्ड नहीं डाल पाओगे। वही इन्फिनिक्स 035G की बात करें तो यहां पर आपको बताया गया कि दो मॉडल देखने को मिलेंगे, 8GB और 256GB, इसके अलावा 12GB और 256GB, LPDDR4X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज होगी। इसके अलावा आपको यहां पर ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलेगा। वही बात करते हैं बैटरी की, तो लावा अग्नि 2 5G में आपको 4700mAh की बैटरी दी गई है, बॉक्स में 66W का चार्जर मिल जाएगा। वही इन्फिनिक्स 035G की बात करें तो यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलने वाली है, इसके अलावा 67W का चार्जर भी आपको बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहीं कैमरे की बात करें तो लावा अग्नि 2 5G में आपको क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया, 50MP का यहाँ पर प्राइमरी सेंसर दिया गया, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2 का यहाँ पर डेप्थ सेंसर है और 2 का मैक्रो मिल जाता है, 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया, रियर से 4K 30fps तक वीडियो शूट कर सकते हो, वही फ्रंट से 1080p 30fps तक वीडियो को शूट कर सकते हो। वहीं बात करते हैं इन्फिनिक्स 035G की, तो यहाँ पर 108MP का प्राइमरी सेंसर है रियर में, OIS को भी सपोर्ट करता है, इसमें सैमसंग का सेंसर आपको मिल जाएगा, 13MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, इसके अलावा 2MP का डेप्थ सेंसर है, 50MP का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है जिसमें भी सैमसंग का सेंसर यूज किया गया, और रियर और फ्रंट दोनों से आप 4K 60fps तक वीडियो को शूट कर पाओगे। वहीं बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो लावा अग्नि 2 5G में स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड होगा। यहां पर 2 साल के आपको एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे। वहीं इन्फिनिक्स 035G की बात करें तो यहां पर आपको XOS 13 देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड होगा, यहां पर 1 साल का एंड्रॉइड और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलेंगे, लेकिन हो सकता है इस बार इन्फिनिक्स ये चीज चेंज कर दे और आपको 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाए। वहीं ऑडियो की बात करें, लावा अग्नि 2 5G में सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा, डुअल माइक्रोफोन का सपोर्ट है, कोई भी 3.5mm जैक नहीं देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर आपको बॉक्स में जो है वो जो 3.5mm एडाप्टर है वो दिया जा रहा है। वहीं इन्फिनिक्स 035G की बात करें तो यहां पर डुअल स्पीकर्स आपको मिल जाएंगे, अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि डॉल्बी एटमॉस मिलेगा या JBL या DTS कौन सा होगा, ये भी पता नहीं चल पाया। वहीं डुअल माइक्रोफोन मिल जाएगा, कोई भी 3.5mm जैक आपको देखने को नहीं मिलता है। वहीं कनेक्टिविटी की बात करें, लावा अग्नि 5G में डुअल 5G का सपोर्ट है, 13 बैंड्स मिल जाएंगे, वाईफाई 6 का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट है। वहीं इन्फिनिक्स 035G की बात करें तो डुअल 5G का सपोर्ट है और 14 5G के बैंड्स है, ब्लूटूथ 5.3 का लेटेस्ट वर्जन मिल जाता है, वाईफाई 6 का भी सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई भी है और यहां पर NFC का भी सपोर्ट मिल सकता है। वहीं एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, लावा अग्नि 2 5G में 1 साल की आपको जो है वो रिप्लेसमेंट वारंटी दी गई, तो अगर कोई भी हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम आता है आपका फोन पूरा रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रकार के सेंसर, GPS, वर्चुअल रैम, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक और एक्स एक्सिस लीनियर मोटर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं इन्फिनिक्स 035G की बात करें, यहां पर सभी प्रकार के सेंसर, GPS मिल जाते हैं, IP53 की रेटिंग होगी, इसके अलावा वर्चुअल रैम भी मिलेगी, फेस अनलॉक भी मिलेगी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा और 4D वाइब्रेशन मोटर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब बात
करते हैं यहाँ पर प्राइस की, तो लावा अग्नि 2 5G भी की जो प्राइस है वो यहाँ पर एक ही मॉडल है 22,000 में मिलता है, और अगर कोई सेल या फिर डिस्काउंट चल रहा हो तो 1,000 रुपये का मिल जाएगा ये, मतलब फोन आपको 21,000 में पड़ जाएगा। वहीं इन्फिनिक्स 030 की बात करें तो यहाँ पर ये फोन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, 2 सितंबर को यहाँ पर जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो इसकी जो बेस वेरिएंट की प्राइस यहाँ पर एक्सपेक्ट की जा रही है जो कि 8 और 256 है उसकी लगभग 25,000 के अंदर होगी, और जो 12 256 वाला उसके आराम 27,000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो यार बात करते हैं विनर की, तो अगर हम विनर की बात करें तो यार विनर यहाँ पर इन्फिनिक्स 030 5G ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको पीछे की तरफ ग्लास मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 का भी सपोर्ट है, डिस्प्ले भी आपको थोड़ी अच्छी मिल रही है, साथ साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस भी आपको ठीक मिल रही है। इसके अलावा बैटरी में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट है, कैमरे में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इम्प्रूवमेंट, मैं कह सकता हूँ आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन दिया जा रहा है। साथ साथ आपको ऑडियो में डुअल स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है, कनेक्टिविटी में आप NFC का भी सपोर्ट कर सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से जो है वो 3,000 रुपये में जो है वो ज़्यादा वर्थ इट होने वाला है। ऑल दो लावा अग्नि 2 भी यहाँ पर अपनी प्राइस पर काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, और मेरे ख्याल से अगर विनर की हम बात कर रहे हैं तो फिर इन्फिनिक्स 030 5G ही विनर है। वीडियो अच्छी लगी जरूर वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।